वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं न्यूनेटल हाइपोथर्मिया के, न्यूनेटल को हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया जिसको बोलते हैं साइलेंट किलर इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, न्यूबॉर्न बेबी बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल न्यूबॉर्न का बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मली। जो न्यूबॉर्न का बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अगर बेबी को हाइपोथर्मिया हो चुका, हाइपोथर्मिया हो गया तो इसको क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अगर हाइपोथर्मिया हो चुका तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका, अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। अब वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होएगा तो फिर क्या होएगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन होता है उसको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन डिक्रीज हो जाएगी तो वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएगी, वाइटल ऑर्गन फेलियर, जब ब्लड सप्लाई रुकी तो वाइटल ऑर्गन फेलियर हो जाएगी, तो जिस कारण न्यूबॉर्न की आ सकती है न्यूबॉर्न डेथ, वाइटल ऑर्गन फेलियर हो जाएगी। क्यों, हाइपोथर्मिया के कारण डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, वैसा कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन, जिस कारण वाइटल ऑर्गन फेलियर हो गए तो न्यूबॉर्न के अंदर डेथ हो जाएगी। देन बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपोथर्मिया, टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया, टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया मतलब फर्स्ट होता है माइल्ड हाइपोथर्मिया, जिसको बोल सकते हैं कोल्ड स्ट्रेस, माइल्ड हाइपोथर्मिया। इसमें जो टेम्परेचर रहेगा 36.4, माइल्ड हाइपोथर्मिया में 36 से 36.4 डिग्री रहेगा, और 96.8 फ़ारेनहाइट टू 97.6 फ़ारेनहाइट रहेगा नॉर्मली, इसको बोलते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया। सेकंड आता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया में क्या आएगा, जो टेम्परेचर रहेगा 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 89.6 फ़ारेनहाइट टू 96.8 फ़ारेनहाइट। थर्ड कंडीशन होती है सीवियर हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, ये बोल सकते हैं 89.6 फ़ारेनहाइट से कम, इससे कम है तो उसको सीवियर हाइपोथर्मिया है, यह टाइप ऑफ हाइपोथर्मिया। बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया, कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया, किस किस कारण हाइपोथर्मिया हो सकता है। फर्स्ट होता है इमेच्योर इमेच्योर हाइपोथैलेमस के कारण हो सकता है हाइपोथर्मिया हो सकता है। लो टेम्परेचर ऑफ ओटी, ओटी का टेम्परेचर अगर कम है, कोल्ड आर्टिकल्स हो सकता है, कोल्ड हैंड के कारण हो सकता है, वेट बेबी, अगर बेबी गीला है तो उसके कारण भी हाइपोथर्मिया हो सकता है।
अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में आता है, अगर माइल्ड हाइपोथर्मिया है, माइल्ड हाइपोथर्मिया है तो उसको साइन एंड सिम्टम्स में, माइल्ड हाइपोथर्मिया है, माइल्ड हाइपोथर्मिया है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे कोल्ड एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक। जो ट्रंक है एंड एक्सट्रीमिटीज है ये ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, फटीग होएगा, वीकनेस होएगा, उसके बच्चा क्राई करेगा, रोएगा, माइल्ड हाइपोथर्मिया में ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर बेबी को सीवियर, अगर बेबी को सीवियर हाइपोथर्मिया है तो जब साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, अगर सीवियर हाइपोथर्मिया तो साइन एंड सिम्टम क्या मिलेगा उसमें, इसमें बेबी में सीवियर डिस्ट्रेस रहेगा, साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, टेम्परेचर बिलो रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस से, पुअर फीडिंग करेगा, बच्चा फीड नहीं कर पाएगा और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। सीवियर डिस्ट्रेस, साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, टेम्परेचर बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, पुअर फीडिंग करेगा, डेथ हो जाएगी बच्चे की। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर किसी को बच्चे को हाइपरथर्मिया होगा तो उसमें मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, तो मैनेजमेंट में उसमें क्या करोगे, फॉलो वार्म चेन। अब मैनेजमेंट में आता है फॉलो वार्म चेन, फॉलो करेंगे वार्म चेन, बात करते हैं फॉलो वार्म चेन, इसमें क्या करेंगे, प्री वार्म, पहले बेबी को जिसको डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवर प्री वार्म टावल में, बेबी को प्री वार्म टावल में ले, प्री वार्म टावल में लेने के बाद वार्म डिलीवरी रूम, गर्म डिलीवरी रूम में नहीं, वार्म आर्टिकल, जो आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो गर्म होने चाहिए, वार्म हैंड और क्लोथिंग, देन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग से वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, KMC कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा उसको, वार्म ट्रांसपोर्ट पे कर देगा, वार्म ट्रांसपोर्ट, इनक्यूबेटर पे भेज देगा उसको, इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर से टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जो इनक्यूबेटर है वो सर्वो मोड पे चलाएगा, इनक्यूबेटर को सर्वो मोड पे चलाएगा। तो ये होता है कि मैनेजमेंट ऑफ द हाइपोथर्मिया। अब बात करते हैं एक बार रिविजन करते हैं दोबारा से, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, जो न्यूनेटल हाइपोथर्मिया होता है उसको साइलेंट किलर, न्यूबॉर्न के अंदर साइलेंट किलर बोलते हैं। न्यूबॉर्न का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 36.5 to 37.5 degrees Celsius होता है। अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया है तो डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर होगा, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर तो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन के कारण डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन को, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी जिस कारण बच्चे का वाइटल ऑर्गन फैल हो जाओ, जिस कारण बेबी की डेथ हो सकती है। अब बात करें टाइप ऑफ हाइपोथर्मिया, माइल्ड हाइपोथर्मिया जिसको कोल्ड स्ट्रेस, अगर बॉडी टेम्परेचर 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस है, या फेरनहाइट में बोलते हैं। मॉडरेट हाइपोथर्मिया 32 से 36 डिग्री सेल्सियस है, 89.6 फेरनहाइट to 96.8 फेरनहाइट में है। सीवियर हाइपोथर्मिया में क्या होगा, 32 से कम और 89.6 फेरनहाइट से कम, उसको बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया, किस किस कारण हाइपोथर्मिया हो सकता है, इमेच्योर हाइपोथर्मिया, क्योंकि जो बेबी है उसका इमेच्योर हाइपोथर्मिया से रहता है, लो बॉडी टेम्परेचर, ऑर्टिकल टेम्परेचर कम रहता है, कोल्ड आर्टिकल यूज़ करते, कोल्ड हैंड यूज़ करते, वेट बेबी, बेबी गीला है जिस कारण बॉडी टेम्परेचर लेस हो रहा है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया, अगर माइल्ड हाइपोथर्मिया तो कोल्ड एंड एक्सट्रीमिटी एंड ट्रंक, एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक क्या होगा, ठंडे कोल्ड रहेगा उसके, फटीग, वीकनेस एंड कराई, ये होता है माइल्ड हाइपोथर्मिया की कंडीशन में। अगर बच्चे को सीवियर हाइपोथर्मिया तो जब क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा, सीवियर डिस्ट्रेस, साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, टेम्परेचर बिलो 32 डिग्री सेल्सियस, पुअर फीडिंग और डेथ, ये होता है। और मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलता है कि किसी को हाइपोथर्मिया होता है, मैनेजमेंट में क्या मिलता है,
मैनेजमेंट में फॉलो वॉर्म चेन को फॉलो करेंगे, प्री वॉर्म टॉवल करेंगे, वार्मर डिलीवरी रूम, क्लोथिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, KMC, वॉर्म ट्रांसपोर्ट, इंक्यूबेटर प्लेस, इंक्यूबेटर सर्वे मोड पर चलेंगे। थैंक यू। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।